सबसे ज्यादा इस देश में कौन है? हिंदू हैं। और वो हिंदुओं को बांट रहे हैं, बनियाओं को अलग कर देंगे, गुजरों को अलग कर देंगे, वाल्मीकि को अलग कर देंगे, ब्राह्मण को अलग कर देंगे, मतलब इस तरह से उनका जो टोटल उद्देश्य है वो देश के देश का खंड खंड कर दीजिए। और वो जो अल्पसंख्यक है ना, जो क्रीमी लेयर है, जो जिनके ऊपर ये फुदकता है व्यक्ति, वो उसको लेकर के आना चाहता है कि ताकि इसके टुकड़े हो जाएं और वो लोग जो बहुमत में हो जाएं। जहां आदरणीय मोदी जी देश को 1947 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने का शेर बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, वही ये इंडी गठबंधन और ये राहुल गांधी देश को जातियों में बांट करके देश को 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूँ राहुल शर्मा। संसद में राहुल गांधी ने आज विशेष चर्चा की जातिगत जनगणना को लेकर। उन्होंने कहा है कि 95% जनता जो है वो जातिगत जनगणना चाहती है और इसलिए इंडिया गठबंधन हर हाल में जातिगत जनगणना करा कर रहेगा। स्पष्ट जानकारी के लिए हम लोग यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के लोगों के साथ मौजूद हैं कि क्या राहुल गांधी के इस बयान पर, यानी कि 95% जनता ये चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, और क्या कुछ महत्व राहुल गांधी के इस बयान के पीछे है, दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। तमाम यहाँ दिल्ली के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे आपसे। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार रत्नेश है। राजकुमार जी, राहुल गांधी ने आज मुखर होकर कह दिया है कि देश की 95% जनता ये चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, तो आप देश की जनता हैं, तो आपसे सीधा सवाल है कि क्या आप उन 95% में हैं? मैं 95% में हूँ, लेकिन ये जो बात आपने कही है वो राहुल गांधी चाहता है, ये राहुल गांधी चाहता है कि जो हिंदू हैं वो आपस में बट जाएं। ये जाति जनगणना का जो विषय है वो सिर्फ राहुल ही चाहता है। और आपने एक बात और कही, इंडिया गठबंधन नहीं है, वो इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन ही एक ऐसा गठबंधन है जो इस देश को गर्त में ले जाना चाहता है, उस देश का विकास नहीं चाहता। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को टिकट दे करके इस देश के टुकड़े टुकड़े कराना चाहता है। तो मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि अब इस देश में कोई भी हिंदुओं के बीच में कोई भी जाति मतगणना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो विषय है उसका सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटना, बनियाओं को अलग करना, बामनों को अलग करना, गुजरों को अलग करना, गरीबों को अलग करना, अमीरों को, इस तरह से ये उसकी जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र देश देख चुका है। अब इस षड्यंत्र में कोई भी आने वाला नहीं है, क्योंकि उस जो राहुल गांधी है उसकी टोटल तीसरी बार जो 99 सीट आई है, यानी कि 15 साल से वो 100 सीट से ऊपर नहीं ला पाया, और वो व्यक्ति पार्लियामेंट में खड़े होकर इन बातों को कहता है, उसकी बातों को गौर करने वाला कोई है नहीं है। अब तो वो पार्लियामेंट से बाहर निकलेगा तो जनता उसको मारने वाली है, पीटने वाली है। पर वो तो बहुत मुखर होकर कह रहे हैं कि देश की 95% जनता चाहती है कि जाति का जनगणना हो। पहली बात तो 95 की बात वो कैसे कर सकता है? 100 सीट लाने वाला आदमी 95% देश की जनता के बारे में कैसे सोच सकता है? यही सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, 95% की बात कर सकते हैं देश के मोदी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार है, वो बहुमत में आए हैं, सीट में अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं। अगर वो बात कोई कहते इन बातों को तो हम मान सकते थे। एक तुच्छ व्यक्ति से आप अपेक्षा कर सकते हैं? मतलब 99 सीट जो लेकर के आए, जो 100 सीट भी नहीं लेकर के आया, और वो ऐसी बातें कर रहा है। देश के नेता प्रतिपक्ष है इस वक्त, प्रतिपक्ष हैं ये बात सही है, लेकिन वो प्रतिपक्ष के योग्य नहीं है। वो देश के टुकड़ों गठबंधन ने माना है कि वो प्रतिपक्ष नहीं बनाया। इंडी अगर गठबंधन मानता तो देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हाल की बात बता रहा हूं, बिल्कुल ताजा। नीति आयोग की एक बैठक हुई थी, उसमें वो पहुंचे नहीं। कौन पहुंचा? उसी के इंडी गठबंधन की एक मैडम थी, ममता बनर्जी, वो पहुंची। कहां गठबंधन है? यानी कि देश के टुकड़े करने के लिए सारा गठबंधन है, और जब बात बनती है देश के विकास की तो ये गठबंधन कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे धूर्त व्यक्तियों के बारे में अब जनता सजग हो चुकी है, वो राहुल हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, ये कोई भी हो, अब देश इनके ऊपर विश्वास करने वाला। अभी हिंदू और मुस्लिम की बात की कि वो चाहते हैं कि हिंदू बटे, ये मैं समझना चाहता हूँ। हाँ, ये मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, जैसे उसने कहा 95% जनता चाहती है, 95 में कौन है? सबसे ज्यादा इस देश में कौन है? हिंदू हैं, और वो हिंदुओं को बांट रहे हैं, बनियाओं को अलग कर देंगे, गुजरों को अलग कर देंगे, वाल्मीकि को अलग कर देंगे, ब्राह्मण को अलग कर देंगे, मतलब इस तरह से उनका जो टोटल उद्देश्य है वो देश के देश का खंड खंड कर दीजिए। और वो जो अल्पसंख्यक है ना, जो क्रीमी लेयर है, जो जिनके ऊपर ये फुदकता है व्यक्ति, वो उसको लेकर के आना चाहता है कि ताकि इसके टुकड़े हो जाएं और वो लोग जो बहुमत में हो जाएं। अच्छा जी, मतलब आपका मानना है कि मुसलमान मुसलमान रहेगा, हिंदू जातियों में हिंदू जातियों में जातिगत जनगणना होती है? बिल्कुल, यही उसकी सोच है, यही उसकी मंशा है कि हिंदू जो है बट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, खंड खंड हो जाए, और अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो हिंदू है वो इस देश के बारे में सोच रहा है। और अब हिंदू और मुस्लिम नहीं, हम सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, अब जातियों की बात ही नहीं करते, और वो जाति में फंसा फंसा करके हमारा सबका बेवकूफ बना करके
करके वो अपनी मंशा को कामयाब करना चाहता है। आपको ऐसा लगता है? सर से और जरा जान ले, भैया क्या नाम है आपका? मधुसूदन खुराना। आप चूंकि बहुत सीनियर भी हैं तो आपने सरकारें बहुत देखी हैं, चीजें समझी होंगी, तो किस तरह से देख रहे हैं जातिगत जनगणना को राहुल गांधी मुखर होकर कह रहे हैं कि करवा के रहेंगे? भाई जहां हम जात पात को समाप्त करना चाहते हैं, इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं और उसी को फिर से ला रहे हैं, तो देश कहाँ जा रहा है? एक समय था कि जब जात पात की बात हुआ करती थी, सबकी जातियाँ गिनती की जाती थी, और अब उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। हम सब एक हैं, एक ही हमारा लेवल है, फिर उसको हम बांटने की क्या जरूरत है? फिर से बांट के हम फिर वही पुराना 100 साल पीछे जाएंगे क्या? तो इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई गणना की कोई आवश्यकता नहीं है। सब देश के अंदर सब व्यक्ति एक हैं, सब बराबर हैं, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सब यही कारण है कि आज हमारा देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम का, मैं एक मिनट के अंदर उदाहरण देता हूं, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय सबके संस्थान एक थे, सबकी अपॉर्चुनिटी बराबर थी, लेकिन कुछ तबका आगे बढ़ता चला गया और कुछ तबका नीचे रह गया। तो मुस्लिम समाज भी और हिंदू समाज सब एक बराबर लेवल पर थे। आप ये बताइए कि कुछ समाज ऊपर क्यों चला गया, कुछ पीछे क्यों रह गया? इसी कारण से मुसलमान हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब रह गया, अशिक्षित रह गया, क्योंकि उनको मौका दिया ही नहीं गया, और बाकी जो हिंदू समाज था ऊपर चलता चला गया, वो तरक्की कर गया। तो अब आप दोनों का विभाजन देखिए कि उनकी स्थिति क्या रही और इनकी स्थिति क्या रही। उसकी कारण यही था कि कांग्रेस ने उन लोगों को ऊपर चलने ही नहीं दिया, और 100 साल के अब इतने वर्ष 70 साल के बाद स्थिति ये है कि वो गद में गिरे हुए हैं और बाकी समाज ऊपर उठ गया है, जबकि पूरे देश के बाद बराबर अपॉर्चुनिटी थी, सबकी शिक्षा बराबर थी। तो इसीलिए अब आवश्यकता जाति गणना की नहीं है। आप 95% में नहीं है? आप वो कह रहे हैं कि 95% जनता चाहती है, कैसे? 95% तुम्हारे पास सीटें कितनी है उसका प्रोपोर्शन देख लो, उसी प्रोपोर्शन में जाओ ना। 95 तो इनके पास है, ये कहे तुम कैसे कह सकते हो 95 है? तुम्हारे पास 100 सीटें भी नहीं आई है, 543 में से तुम अपने आप को कैसे कह दिया कि हम जो है ज्यादा संख्या में हो कम संख्या में? क्या मंशा लग रही है? राहुल गांधी चाहती है, इंडिया गठबंधन चाहती है कि जातिगत जनगणना हो? आपके माध्यम भाई उनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। अब वो चलो बताएं जाति गणना से क्या करेंगे, कभी उन्होंने बताया क्या? कभी पार्लियामेंट में कहीं खड़े की पता चलना चाहिए कि किसकी किस देश में किसकी कितनी हिस्सेदारी है? सर हिस्सेदारी को क्या करोगे, पूरा देश है क्या? 140 करोड़ जनता एक ही है, सबके भले का काम करो। मोदी जी क्या कहते हैं, सबका विकास। सबका विकास कैसे होगा अगर आप लोगों को बांटते ही रहोगे, तो विकास कैसे करोगे? तो इसलिए बांटने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा देश चल रहा है उसको ठीक चलाओ और उसका देश का उत्थान करो, और धर्म कर्म सब भूल जाओ। हिंदू मुसलमान हम सबको इकट्ठे रहना इस देश में, पहले भी थे और आगे भी बढ़ेंगे। इसकी एकता की बात करो, ना कि इनको तोड़ने की बात करो। तो इसीलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी भी तरह से हम इसको तोड़े। मतलब आपने चाहते कि जाति का जनगणना हो? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब वो समय निकल गया है, उसके बाद फिर और आप निचता में चले जाएंगे। अभी ये हो गया, फिर और नीचे चलो, आगे बढ़ने की बजाय आप पीछे चल रहे हैं। ये कौन सा देश का आगे हिसाब किताब चलेगा? कुछ तो आपने मुंह से बताओ, आपका विचार क्या है? आपको प्रतिपक्ष का नेता बना दिया है, आप पार्लियामेंट में एक ड्रामा ही करते हो। आपका सेशन तो एक मनोरंजन का सेशन है, कि जब आप आए तो लोग ये मनोरंजन देखें कि इनका सेशन है। आपके पास कोई विचार नहीं है, कोई बात नहीं है, है? कभी कुछ बोल देते हैं, कभी स्पीकर से भी तमाम बहस हुई है और स्पीकर ने उल्लंघन किया। स्पीकर ने कहा है कि आप उल्लंघन कर रहे हैं बार बार। उसने बोला है, क्या कह रहे हैं? जब वो उल्टा सीधा बोलेंगे तो क्या करेंगे? उनको समझाने की कोशिश की है कि जो नियम है उसके हिसाब से बोलिए कि अपने हिसाब से बोलेंगे। बोले हम तो बोलेंगे। बोले फिर नियम किस लिए है, तो पार्लियामेंट किस लिए है? जनता ने तुम्हें चुन के देखा, भेजा है, एक बड़ा आदमी बन के भेजा है कि आप हमारा भविष्य देखेंगे। फिर अब तुम ऐसे काम करोगे तो देश कैसे चलेगा? तो ऐसे चलने वाली बात है ही नहीं। फिर आपका क्या नाम है सर? राजकुमार ढिल्लो। आप 95% में आ रहे हैं कि 5% में चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो? मैं 95% में आता हूँ, और जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी ने कहा है कि 95% लोग चाहते हैं कि जनगणना हो। राहुल गांधी के कहने से कुछ नहीं होता। 95% जनता अब की बार बिल्कुल कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को नकार देगी, क्योंकि ये देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, देश का विभाजन करना चाहते हैं। जहां आदरणीय मोदी जी देश को 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, सोने का शेर बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, वहीं ये इंडी गठबंधन और ये राहुल गांधी देश को जातियों में बांट करके देश को 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। और मोदी जी आज भारत को शिखर पर लेके जा रहे हैं,
तो जनता ने अच्छी तरीके से देख लिया है कि दिल्ली की जनता को, भारत की जनता को ये जातियों में बांट करके भारत का विभाजन करना चाहते हैं, भारत को खंड खंड करना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली, भारत की 95% जनता इनको पूरी तरीके से नकार देगी और ये प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे, सदन में आने के लायक भी नहीं रहेंगे, जनता छोड़ेगी नहीं इनको इस लायक। तो कह रहे हैं कि हम श्योर हैं कि 95% जनता चाहती है, हम इंसाफ दिलाना चाहते हैं सभी जातियों को। देखिए, जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनके सांसद खुद पीछे बैठ करके हंसते हैं, देश की जनता जब उनको सुनती है देश की जनता हंसती है, ये कौन बोल रहा है, तो उनकी बचकना हरकत है ये, और मैच्योरिटी उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो नेता बनने के लायक ही नहीं है। जब वो बोलते हैं तो हंसी का पात्र होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जी। तो मतलब उनका कहना है कि अभी जो, क्योंकि वो बजट पे भी बोले, उन्होंने कहा कि ना आदिवासियों के लिए कुछ दिया ना दलितों के लिए कुछ किया, इसीलिए जरूरत है जातिगत जनगणना की। नहीं, मैंने आपसे कहा ना जी, जब राहुल गांधी बोलते हैं तो भारत के लोग हंसते हैं, वो केवल हास्यास्पद बातें करते हैं, और जैसे भाई साहब ने बताया कि केवल मनोरंजन है, लोग जब वो बोलते हैं तो हंसते हैं, उनको मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं है, उनको देश की जनता 95% जनता उनको गंभीरता से लेती नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय चौधरी है। अजय जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना हो, और मुखर होकर कह रहे हैं कि होनी करवानी पड़ेगी और इंडिया गठबंधन करवा के मानेगा? देखो जी, मैं तो ये कहूंगा कि देश को आगे बढ़ाने की बात करें। हाँ। ये जो जनगणना वनगणना के लिए बार बार ये बोल रहे हैं, देश को भटकाने के बारे में बोल रहे हैं, देश को आगे बढ़ाएं कैसे भी करके, उस बारे में बात करें, जो कि हमारे मोदी जी कर रहे हैं। जब वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं तो उस पर उनका ध्यान रहने दीजिए ना, ये जनगणना के बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये तो गलत प्लेटफॉर्म पे जनता को ले जा रहे हैं ताकि लोग भटकते रहें बस। अच्छा, एक भैया ने अभी पीछे कहा कि भैया हिंदू मुस्लिम चाहते हैं इसलिए करा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम चाहते हैं क्या, जनगणना कराना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम? हाँ। ये कोई नहीं कराना चाहता, ये सिर्फ इंडी गठबंधन की जो पार्टी है ये खुद यही कराना चाहती है, ताकि एक बार इन्हें पता लग जाए आंकड़े किसके कितने हैं। हाँ। उसके बाद उस हिसाब से उतने लोगों को भड़काया जाए। हाँ। और उतने लोगों से अपना काम अपनी तरफ वो वोट डलवाई जाए। हाँ। बस इसलिए कराया जा रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनगणना करने से, कि भाई हम इतने लोग जितने ज्यादा लोग होंगे उनको उतने लोगों को वो भड़काने का काम करेंगे बाद में, इसलिए ये जनगणना कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, सबसे बढ़िया बात वो है। वो तो कह रहे हैं कि जनगणना के बाद ही जो है वो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि दलित को पिछड़ों को जो है वो ठगा जा रहा है भाजपा के द्वारा। क्यों, जनगणना से हमें क्या नौकरी मिल रही है, उससे क्या मिल रहा है, सबको जिसको जैसी नौकरी मिल रही है, सब अपने कैपेबल है उस हिसाब से मिल रही है, जनगणना से क्या होगा, जनगणना से कुछ नहीं होगा, ये गलत वो धारणा फैला रहे हैं, गलत वो दे रहे हैं। तो बीजेपी डर रही है जातिगत जनगणना से, क्यों डर रही है बीजेपी? बीजेपी किसी चीज से नहीं डरेगी, बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी है। हाँ। हिंदू, सारे हिंदू लोग सारे उसे उन्हीं को वोट देंगे। हाँ। पहले क्या होता था, पहले जो पूजा पाठ करते थे हम। हाँ। तो हमें श्लोक नहीं पता था, हमें कुछ। हाँ। नहीं पता था। हाँ। अब बीजेपी के आने से हमें पूजा पाठ के तरीके पता लग रहे हैं। हाँ। हम कैसे पूजा करते हैं वैसे पता लग रहा है, हम मंदिरों में जाना शुरू हो गए। पहले मंदिरों में जाने से हमें डर लगता था, तो हमें और क्या चाहिए, पूजा पाठ करें, अच्छे से खाना पानी मिले, और ये क्या अपनी नौकरी अपने हाथ में। हाँ। हम अपनी मेहनत से अपनी नौकरी अपने केपेबल के हिसाब से करते रहेंगे। हाँ। बस यही है। आपका क्या नाम है भैया? हर्षवर्धन सिंह रावत। हर्षवर्धन जी, कैसे देख रहे हैं, क्या चाहते हैं राहुल गांधी, क्यों ऐसा फोकस है कि जातीय जनगणना हो? आज जो उन्होंने भाषा बोली है ना, वो सिर्फ एक मनोरंजन का बोली उन्होंने आज। हाँ। वो चाहते हैं एक समाज। हाँ। जो मुसलमान समाज है ना। हाँ। वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको दिखाना चाहते हैं मुसलमानों को कि हाँ भाई देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हम आप लोगों को लड़ रहे हैं और आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ। जो ये चाहते हैं वो ये इसलिए वो काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है अपने पास। तो क्या लग रहा है बार बार इतना मुखर होकर क्यों राहुल गांधी बोल रहे हैं? वो सिर्फ दबाव है मुसलमान का, ऊपर से दबाव है लोगों को, वहाँ पे मुसलमान कंट्री का दबाव है। हाँ भाई क्या हो रहा है भाई, तू क्यों नहीं बोल रहा है, क्या कर रहे हो, क्योंकि ये कहानी उनकी सबकी सब बोले। हाँ जी, ये है पूरी कहानी उनकी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा से त्रस्त हो चुका है समाज जो है। भाजपा से त्रस्त कैसे हो जाएगा बताओ मुझे, अब सरकार हमारी है, सरकार हमारी है पूरी, आप बताइए सरकार हमारी है फिर आदिवासियों की कोई सुन रहा नहीं है, दलितों को कोई पूछ नहीं रहा है, तो इसलिए जरूरत है जातिगत जनगणना की। 10 साल हुए सरकार में आए हुए, 70 साल उन्होंने निराश किया। हाँ। हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हाँ। आप कैसी बातें करते हो साहब? हाँ। 70 साल उन्होंने करा कि आदिवासी का पहले थे नहीं क्या? हाँ। आज ही पे तो आदिवासी है क्या? हाँ। आदिवासी कब से है वो?
बताइए आप। वो तो कह रहे हैं कि डर रही है भाजपा। डर कैसे रही है? डर तो वो लोग रहे कि हम लोग आ नहीं पाए। जो तीसरे चरण में खूब कोशिश की थी मोदी जी ने, नहीं रोक पाए मोदी जी को। मोदी फिर भी दंग के जोर में आए। फिर बताइए आप, 240 सीट हमारी आई है बीजेपी की। बताइए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। उनको डिस्कस डर लग रहा है, उनको राहुल गांधी को लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हम लोग हो जाएंगे फेल। और हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, किसी राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनने वाला। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए यहाँ पे हमारे को। जातिगत जनगणना से क्या बदल जाएगा? वो तो बेवकूफ लॉलीपॉप दे रहा है मुसलमानों, वो मुसलमानों को लॉलीपॉप दे रहा है कि हम तुम्हारे लड़ रहे हैं। पर हम तो कह रहे हैं आपको हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे यहाँ पे। हम जिंदा है, जब तक जीवित है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे यहाँ पे हम। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र आपको चाहिए। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र। देश तो पीछे जा रहा है मोदी जी पे, देश नहीं चल पा रहा है। देश तो बहुत आगे है भैया। आप कहाँ देख रहे हो? आप हाईवे देख लीजिए। आप कहीं भी लाइट, पहले लाइट भागती थी, लाइट नहीं भाग रही। आप बताइए, आप हमें उत्तराखंड के रहने वाला हूँ, पहले वहाँ पे रोड नहीं थे, आज रोड है वहाँ पे, जल है, नल में जल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लाइट आ रही है, सभी सुविधा पूरी दे रखी है, पहले था ही नहीं। आज से अगर 10 साल पहले जाओगे गाँव में रोड नहीं थी, आज रोड पूरी रोड आ रखी है वहाँ पे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बहुत बदलाव हो गया भारत देश के अंदर, बहुत ज्यादा लोग। अब हमारे अभी देखा था हमने मोबाइल की जो हमने कंपनी बनाई है, नंबर 2 पे वर्ल्ड में, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं हम लोग। आप किस बात कर रहे हैं? आप राहुल गांधी बड़ा स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी डर रही है कि जातिगत जनगणना होगी तो बीजेपी को डर किस बात का, ये भी पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं, बीजेपी डर रही है? डर नहीं रही बीजेपी से, ये लोग डर रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी से इतने भयभीत है कि बीजेपी इनको अब भविष्य में यानी जीवन में भी सरकार नहीं बनाने देगी। क्योंकि पिछले 15 साल की कोशिशों में तो 99 सीट लेकर के आए और आज की डेट में बीजेपी के पास में 340 सीटें हैं, तो किसकी चलने वाली है? वो लोग अब इतने व्याकुल हो चुके हैं, अंदर से त्रस्त हो चुके हैं कि अब उनको दिखाई दे गया है कि भाई अब हम सरकार जीवन में बना नहीं सकते। ये जो देश है वो कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। कांग्रेस मुक्त भारत की पहचान यही है कि कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी थी देश की, उसने इंडी गठबंधन में जाके सहारा लिया, कांग्रेसी वो इंडी गठबंधन के पिछवाड़े में जाके घुस गई। तो कांग्रेस कौन खत्म, क्या खत्म हो रहा है? कांग्रेस खत्म हो रही है। और कांग्रेस का एक पागल बच्चा जिसे आप कहते हैं बार बार राहुल गांधी राहुल गांधी, वो इस समय नेता प्रतिपक्ष है संसद में, लेकिन उसको न तो बोलना आता, वो सिर्फ जनता को हंसाना जानता है, चाहे वो मंच पे हंसा दे, चाहे वो लोकसभा में हंसा दे, चाहे वो आपके चैनलों के माध्यम से हंसा दे। वो आदमी की जो मैच्योरिटी है जो उसके उसके अंदर वो चीज़ है नहीं है। वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ उसने शादी की नहीं, वो व्यक्ति है। तो वो जीवन में क्या कर सकता है? वो सिर्फ जनता को भ्रमित कर सकता है और जनता को ये कह सकता है कि भाई मोदी जी के टाइम में जो देश सुरक्षित है और मोदी से अच्छा कोई देश नहीं चला सकता, इसलिए वो जनता में एक जहर बोने की कोशिश कर रहा है। वो जातीय जनगणना के माध्यम से, और मैंने आपको पहले ही बताया था जातीय जो जनगणना, ये जातियों का विभाजन करना है और हम ये विभाजन होने नहीं देंगे। अब इस समय कोई जाति गणना की जरूरत नहीं है। ऐसी की बातें करते हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अब तेवरों से मोदी जी को डर लगने लगा। जो डरे हुए हैं वही डर की बात करेंगे, जो डरे हुए हैं वही डरने की बात करेंगे। मोदी जी किसी से नहीं डर रहे, मोदी जी से ये सब डर रहे हैं। इंडी गठबंधन है तो उसकी फूंक निकली पड़ी है, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे कहीं भी हो, जहाँ भी देख लीजिए आप, ये सब डरे हुए हैं और इतना भयभीत हो गए, अंदर से डर चुके हैं कि अब इनके सामने देश के बारे में कोई बात करने की कोई सवाल ही नहीं है। वो देश को सिर्फ भ्रमित कर सकते हैं, देश की जनता को भ्रमित कर सकते हैं। तो मतलब माहौल ये है कि आपको लग रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम लौट फिर के सब हिंदू मुस्लिम पे कहानी बन रही है। मैं बता दूं आपको, बताया ना भाई, ये जाति जनगणना क्या है कि हिंदुओं को तोड़ दो, हिंदुओं को जब खंड खंड हो जाएंगे, यानी कि कुछ ब्राह्मण अलग हो जाएंगे, कुछ बनिया अलग हो जाएंगे, कुछ गुजर अलग हो जाएंगे, इस तरह से इनके टुकड़े टुकड़े कर दो। और अब आप देख रहे हैं ना कुछ जैसे जाटव व्यक्ति हैं जो भी मीम जय भीम और जय मीम और जय भीम के नारे लगाने लग गए, कि उनकी जो सोच है वो सिर्फ यही है कि मुस्लिम वर्ग बढ़े और मुस्लिम वर्ग की तरफ ये जो टुकड़े कर रहे हैं वो उधर आगे बढ़ते चले जाएं। तो इस ये अब ये होने वाला नहीं है। ये 70 साल से जो नाटक था वो चलता आया, अब तक अब नहीं चलने वाला है। अब जनता बहुत अवेयर हो गई, जागरूक हो गई है। अब जनता इन बातों में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये जो बजट सत्र पे बजट पे बोला उन्होंने, ये भी कहा कि भैया ना तो आदिवासियों के लिए कुछ था, ना दलितों के लिए कुछ था, 20 लोगों की टीम थी, आप पिछड़ों को सिर्फ पीछे धकेलना जानते हैं, आगे बढ़ाना नहीं जानते। नहीं, जब उनके पास बजट, इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता। ये माननीय मोदी जी का जो बजट है, निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता। ये उनके पास में कुछ है नहीं, उनके पास सिर्फ एक बजट को हलवा कहा। राहुल गांधी ने कह रहे कि हलवा जो है वो 20 लोग खा गए। वो हलवा कह दे या इससे और गंदी भाषा बोल दे, क्योंकि ये लोग सब लोग तो है नहीं जाए, तो बजट को हलवा ही कहेंगे। और अगर उनके पास और भी कोई गंदी भाषा होती वो भी बोल सकते थे। इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता, क्यों? इस बजट में मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय और उच्च वर्गीय सभी को, बहुत बड़ी विनम्रता से कहता हूँ इस बात को, सभी का ख्याल रखा गया है।
मतलब जो क्योंकि माहौल बना हुआ है, इलेक्शन भी नज़दीक है, चुनाव भी आ रहा है, तो इस तरह से अगर इंडिया गठबंधन जो है वो हमलावर जो है बीजेपी पर, साफ तौर पर लोकसभा का चुनाव तो हो चुका, 5 साल तक ये खिसियाने रहेंगे, और 5 साल में इनके पास में कुछ करने को है नहीं, तो सिर्फ मोदी को गाली दे लें या मोदी के माध्यम से जनता को भ्रमित कर दें, चाहे वो लोकसभा में बैठ करके मजाक उड़ा लें। अब देखिए कोई बात करते हैं संसद, संसद सबसे बड़ा मंदिर है देश का, जब उसमें इनकी मजाक उड़ रही है, आप इसको क्या कहेंगे? एक ऐसा प्रतिपक्ष का नेता जिसकी मजाक उड़ रही है, यानी जब वो बोलता है तो पीछे से उसी के आदमी टेबलों को थपथपाते हैं, वो क्या कहते हैं उनका इशारा समझते हैं आप जे कि एक पागल है अच्छा लग रहा है, और पूरा देश हंसता है इस बात को लेकर के, तो ये अब चलने वाला नहीं है। तस्वीर भी आज वो दिखा रहे थे कि देखिए 20 लोगों की टीम में एक भी ना आदिवासी है ना तो दलित है, सबको पीछे ढकेल दिया, फोटो तक पे नहीं आने दिया। बॉस बॉस बॉस, ये जो देश है 543 सीट का है जिसमें 99 सीट उसके पास है, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी को ले लीजिए आप, कौन है वो? द्रौपदी मुर्मू कहाँ से आती है? दलित से आती है, आदिवासी, आदिवासी दलित से आती है जी। अब बताइए जो देश का सबसे बड़ा शीर्षस्थ पद है, जिसको भारत का सबसे बड़ा नागरिक नंबर वन कहा जाता है, वो कौन है? वो उसको दिखाई नहीं दे रहा, वो अंधा हो रहा है, वो धृतराष्ट्र है, वो इस देश को खत्म कराने के चक्कर में पड़ा हुआ है, जैसे कि रामायण में धृतराष्ट्र ने सारा कुछ खत्म करा दिया था, ऐसा ही एक इंडी गठबंधन का नेता निकल के आया है जिसको जो राहुल गांधी कहते हैं, वो इस देश को बिल्कुल सुपड़ा साफ खत्म करना चाहता है। इतना चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि जो है हम जातिगत जनगणना को लागू करके रहेंगे, और चैलेंज के साथ तो वो ये भी कहता था कि इस बार मोदी की सरकार नहीं बनेगी, मैं इससे लिखवा के ले लो, लेकिन बन गई ना मोदी की सरकार। ऐसे चैलेंजों की परवाह मत कीजिए, इन लोगों की कोई बकत नहीं है, जनता बिल्कुल भी इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आप अपना समय लगाइए देश के विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बारे में बात कर रहे हैं? बार बार राहुल को ले आते हैं, वो से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, एक धूर्त व्यक्ति है, मैं उसके बारे में ज्यादा बात तो विकास को लेकर तो कहते हैं कि देश तो पीछे गया है 10 साल एकदम तीसरी नहीं, देश ने विकास किया है, और विदेशों में आपको पता है यूक्रेन में जब हमला हुआ था तो हमारे देश के तिरंगे को लेकर के अपनी पीठ पर, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे हमारे देश के लोग, पीठ पर तिरंगा लेकर के आए थे और उनके ऊपर गोली नहीं चलाई गई थी। यह देश का विकास, यह देश की आवाज, चाहे वो रूस क्यों ना हो, चाहे वो यूक्रेन क्यों ना हो, चाहे वो इसराइल क्यों ना हो, हर जगह इस देश में सिर्फ मोदी और मोदी और मोदी, मोदी से अच्छी सरकार इस देश को नहीं मिलने वाली कभी भी। तो आपको लगता है मोदी सरकार बेहतर है, लेकिन जातिगत जनगणना पे डर रही है सरकार, ये बार बार नहीं, बार बार आप एक बात करें, जातिगत ये होना ही नहीं है, उसने कह दिया और आप बात होना नहीं है, नहीं होना, ये जाति जनगणना नहीं होने वाली। ऐलान से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मिलकर इसको, मैं फिर पुरानी बात को आपको याद दिलाऊंगा, वो कौन होता है कहने वाला? 99 सीट वाला व्यक्ति क्या इस बात को कर सकता है? इसके लिए सरकार में आना पड़ेगा, अपनी ताकत गठबंधन मिला के तो नहीं है, गठबंधन मिला के भी ज्यादा होते तो सरकार बना जाती है। इस समय हमारे पास में 340 मोदी जी की जो सरकार है वो 340 सीट पर है, टोटल इतनी 543, तो कहाँ ज्यादा हो गई उनके पास में? पॉसिबल नहीं, अगर ज्यादा होती तो ये दुर्भाग्य होता और ये देश में सबसे बड़ा कलंक होता कि इंडी गठबंधन अगर सरकार बनाती है तो हम और आप बहुत जल्दी या तो नीचे से कटवा देते अपने आप को, या इस देश को छोड़ करके कहीं ना कहीं पहाड़ों में जाकर गुजरना पड़ता, नहीं तो हमारे गलों पर तलवार चल जाती है, तो अब वो समय आने वाला नहीं है। चलिए, ये जातिगत जनगणना पर लेकर आप दिल्ली के लोगों की राय सुन रहे थे, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा।